व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं रोहित शर्मा को लेना चाहिए मुंबई इंडियंस से बदला। तो भाई क्या कुछ है देखते हैं भाई का पॉइंट ऑफ व्यू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आप भी अपनी राय पेश कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी तो मुश्किल है कि कोई टीम स्विच करना। सीएसके में चला, देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। यार एक बंदे को दुख सहने का कितना शक्ति मिल सकता है? मुझे लगता है कि यार एक तो बेचारा पहले से बहुत दुखी था यार रोहित शर्मा। यार आप कप्तान हो, आपके पास वो सारा अचीव करने का जो कहते हैं ना एक मौका था, जब आपके पास कप्तानी थी इस अंदाज में पूरी टीम खेल रही थी, आप एक फाइनल हारते हैं और आप एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान के रूप में जाने जा सकते थे, वो मौका छूट जाना कितना बड़ा दुख की बात। पॉइंट साला, हम लोगों का थोड़ा सा नुकसान हो जाए ना तो हम जीते जी मर जाते हैं, ऐसा दुख के मारे एकदम परे रहते हैं भाई। एक साला प्यार में धोखा खा जाते हैं 1-2 साल का, तो वहां पे एकदम दिल एकदम टूट टूट जाता है भाई, चूर चूर हो जाता है कि हमको छोड़ दी, इतना कुछ किया मैंने इसके लिए, मूवी दिखाया इसके लिए, खड़ा रहा, खुद से ऊपर रखा, लॉयल रहा, इसके अलावा किसी के लिए नहीं सोचा, करियर को भी छोड़ दिया, फैमिली को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इसको बिल्कुल अपने सर पे ताज बना के रखा और इसने मुझे पिछवाड़े पे लात मार दी। यही हुआ है भैया, कहीं ना कहीं कितना दुखी हो जाते हैं, दिन रात रोते हैं, दारू पीते हैं, साला किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, सिर्फ 1-1.5 साल 2 साल का प्यार के लिए। आप सोचो रोहित शर्मा जो अपना जिंदगी का 13 साल मुंबई इंडियन को दे दिया, 10 साल एज ए कैप्टन, 5 ट्रॉफी दिलाया, कुछ नहीं था भाई, मुंबई इंडियंस का कोई औकात नहीं था। क्या है तू, क्या औकात क्या थी समझे, उसको एक ब्रांड बना दिया, मतलब एक ब्रांड वैल्यू समझते हो किसी फ्रेंचाइज का बन जाना, वो बन गया था। और वो मुंबई इंडियंस जिसको सब कुछ दिया इस बंदे ने कप्तानी के तौर पे, खुद से ज्यादा आगे रखा, फैमिली मानता था, वो मुंबई इंडियंस ने उसको फ्यूचर सोच के कि हम फ्यूचर देख रहे हैं इसलिए इसको हटा रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या में फ्यूचर देख रहा है, वो छपरी मतलब जहां से जो फायदा मिलता है वहां निकल जाता है। आप देखो गुजरात चला गया वो मुंबई इंडियंस से छोड़ के, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वहां कप्तान बना, सब कुछ किया भाई, जिताया भी ट्रॉफी और सब कुछ मिल गया, वहां भी वापस यहां मुंबई में आ गया, ज्यादा ऑफर बढ़िया मिल गया, पैसा ही पैसा होगा। और ये बंदे को हम इसलिए बोल रहे हैं छपरी क्योंकि ये है रीजन, ये किसी को बड़ा भाई मानता है। अब आप देख लो जड्डू जडेजा धोनी को बड़ा भाई मानते हैं और वो रिस्पेक्ट उस तरीके का दिखता है भाई, बंदे को कप्तानी दी गई थी, छोड़ दिया कि भाई धोनी भाई आप ही करो, जब तक हो आप करो कप्तानी, हमसे ना हो पाएगा। प्यार सिर्फ जुबान से बोलने का नहीं होता है भाई, वो दिखता है। हम मानता हूं मुंबई इंडियन तुमको आके अप्रोच किया कि आओ भाई आपको कप्तान बना देंगे और ये चीजें आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे, पर भाई तुमको तो सोचना चाहिए था ना कि रोहित शर्मा वहां का कप्तान है जिसके अंडर तुम भी खेले हो, इंडिया भी खेले हो, मुंबई के लिए भी खेले हो, बड़े भाई जैसा है तुम्हारा, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है कि नहीं भाई? हम आ तो सकते हैं लेकिन हम कप्तानी नहीं करेंगे क्योंकि रोहित शर्मा डिजर्विंग है, ये नहीं बोला गया। ये बंदा फुल खुश हो गया कि हम रोहित शर्मा को पीछे फेंक रहे हैं और हम खुद आ गया। ऐसे बंदे में मुंबई अपना फ्यूचर देखती है। शाबाश, आज के डेट में कहने को सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, सबसे अमीर दौलतमंद, साला दिल में सबसे नीचे है तुम। अबे तुम्हें सब कुछ दिलाया उसको लिए तुम खड़े नहीं उतरे, तुम किसके हो गए भाई? आरसीबी को देखो, इतने साल एक ट्रॉफी नहीं हुआ विराट कोहली के लिए, वो पागल है बंदा। वो पूरे जो आरसीबी है ना कहती है हमें नहीं चाहिए आने वाले 4-5 साल हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी, पर विराट कोहली चाहिए। सीखो सीखो जिंदगी में सीखो। विराट कोहली खुद कप्तानी छोड़ा, आज भी वो तैयार है कि भाई आप बोलो आपको वापिस कप्तानी देंगे। इसे कहते हैं भाई जो लॉयल्टी पे ऑफ, वरना आज की दुनिया में कौन किसका लॉयल रहेगा भाई ये बताओ। रोहित शर्मा तुम्हारे लिए इतने सालों से खेल रहा है, पूरा लॉयल है, फैमिली मानता है, तुम उसको रिजल्ट ये देते हो कि अपना फ्यूचर देख रहे हो, ये कहीं से भी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई, पैसे से नहीं होता दिल भी होता है, आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई। रोहित शर्मा को तो तब तक खिलाना चाहिए कि भाई आप अपने दिल से बोलो जब रिटायर हो गए यहीं से होके जाओगे। सही बात है, साला बड़े बड़े कंपनी का भी हमने देखा है कि किसी बहुत सालों से जो उसके लिए दिन रात मेहनत करके उसको बड़ा बनाता है उसके लिए वो लॉयल रहता है कि आप यहीं से रिटायरमेंट लेके जाइए, यहाँ तुम साला इतने में ही अपना औकात दिखा दिया। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अब मुंबई इंडियंस में नहीं रहना चाहिए, पर ये बंदा है ना लॉयल है भाई, इस बंदे को अभी साउथ अफ्रीका जा रहा था भाई, चेहरे पे एकदम जो कहते हैं ना उदासी, एयरपोर्ट पे जरा सा भी स्माइल नहीं, जो हंसता खेलता चेहरा हमने हमेशा देखा है रोहित शर्मा का,
बिल्कुल स्माइल नहीं था, एकदम दुख से भरा हुआ। और क्यों नहीं होगा भाई दुख? भाई ट्रस्ट लॉयल्टी की कीमत नहीं समझते ना तो भाई बहुत दुख होता है। और जो लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ प्यार से दिल टूटता है, भाई ये उससे बहुत बड़ा दुख है। जब आप समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा दुख है जो रोहित शर्मा लेके बोझ की तरह चल रहा है। अभी भी वो है मुंबई इंडियंस में, सोचो उसको दिल्ली कैपिटल भी अप्रोच कर रहा है क्योंकि दिल्ली सीधा कप्तान बना देगी। अब मुझे लगता है कि दिल्ली में आ जाना चाहिए। इस मुंबई के कारनामे के बाद बीसीसीआई ने भी बोला ऑफिशियली कि हमारे कप्तान T20 के रोहित शर्मा ही है और दिल्ली में मुझे लगता है कि आना चाहिए। भाई दिल्ली अप्रोच किया है तो आप आओ कैप्टन बनो, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले सिर्फ दिल देखते हैं भाई है। हमें ट्रॉफी से मतलब नहीं, हमें उस बंदे से मतलब है। ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी कम, रोहित शर्मा जिस तरीके से अगर आएंगे ना तो उससे मुंबई से कई गुना ज्यादा प्यार मिलेगा दिल्ली से, और दिल्ली वाले हैं हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती भाई। तो हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा हो, पर मुझे पता है ये बंदा नहीं करेगा ऐसा भाई, क्योंकि ये बंदा बहुत दिल का सच्चा है, दिल का बहुत लॉयल है। ये मुंबई में ही रहेगा, हार्दिक के नीचे भी खेल जाएगा, पर हमसे नहीं देखा जाएगा। अगर आपसे देखा जाएगा तो कमेंट में राय दीजिए, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा को खेलना चाहिए मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी हार्दिक की कप्तानी में, या फिर दिल्ली में आ जाना चाहिए? हमें तो लगता है कि दिल्ली में आ जाना चाहिए भाई, और कप्तान बन के दिल्ली के लिए खेलिए, आपको खूब प्यार मिलेगा, और मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि जो आपके लिए नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। इनको अपने आप औकात पता चल जाएगी, अभी तक तो चली गई है जब इनकी जर्सी जल रही है और शेम ऑन मुंबई इंडियंस का ट्रेंड चल रहा है, चल रहा और ये ऑलरेडी 5-6 लाख फॉलोअर कम हो गए हैं। जैसे ही आप वहां से आओगे ना, कुछ नहीं है, शून्य पे खड़ी हो जाएगी। ट्रॉफी सिर्फ दिखाने के लिए रख देंगे पर वैल्यू कुछ नहीं होगी। और प्यार ही तो कमाना बहुत जरूरी है, जो आरसीबी ने कमाया। आरसीबी के लिए लोग आज भी उतने ही पागल है, क्यों? क्योंकि विराट कोहली वहां है और विराट कोहली के लिए भी वो उतना ही लॉयल है जितना विराट कोहली आरसीबी के लिए। ऐसा होता है भाई, रिश्ता दोनों हाथ से चलता है। तो बस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विराट ने तो बोला भी है ना कि बेशक ना दे, लेकिन जब तक वो खेलेगा वो तब तक आरसीबी के लिए। भाई इस डिसीजन पे सबसे पहले तो आप लोग क्या कहना चाहोगे ये जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मुझे ये लगता है कि नहीं, अगर ये बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर तो ऑलरेडी आपकी टीम में भी है, मतलब सूर्या है, कितने लोग हैं, ऐसा क्या स्पेशल है कि नहीं है? चल अच्छा प्लेयर है, हर चीज ठीक है, लेकिन आपका तरीका ठीक होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तरीके में ये होना चाहिए था कि एक जब वो होता आईपीएल, या तो उसके स्टार्टिंग में एक जेस्चर के तरीके से रोहित शर्मा बोलता कि अब से मैं एज अ प्लेयर खेलना चाहता हूँ और मैं कैप्टनसी रोहित को देना चाहता हूँ। वो भी बोलता है कि जेस्चर होता है कि पता है क्या है, अभी उसकी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप आ रहे हैं रिसेंट, ठीक है, और अगर इसमें वो एज अ कैप्टन खेलता, ठीक है, तो उसका एक ये रहता ना कि चलो भाई अभी और भी मैच, या फिर कोई स्टेटमेंट रोहित शर्मा, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो, मतलब हर उसे तो हर मैच जीतना है। बिल्कुल, कोई स्टेटमेंट रोहित शर्मा की तरफ चाहते तो और भी फर्क पड़ता भाई। लेकिन अगर अब वो आएगी ना, अब स्टेटमेंट का वो वैल्यू इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोगों को अभी भी ये लगेगा कि अंडर, मतलब उन्होंने बोला है। और यही चीज आप लोगों ने सबने देखी होगी कि फ्रेंचाइजी बहुत है आईपीएल में, लेकिन 2-3 टीमें हैं जिनसे एक अलग कनेक्शन है, जैसे आरसीबी होगी, सीएसके और मुंबई होगी। थी सीएसके से क्यों? धोनी की वजह से, वो एक अनकंडीशनल लव। वैसे ही उसका और जडेजा का भी जैसे बॉन्ड है ना, मतलब वो ऑन फील्ड भी दिखता है कि हाँ भाई, मतलब वो बंदा बहुत रेस्पेक्ट करता है। और यही चीज देखने को मिली हम सबको जब ये हुआ, क्या कहते हैं, अभी जब जडेजा को धोनी ने कप्तानी दी, लेकिन जडेजा ने वापस कहा नहीं। और अभी ट्विटर पे भी आपने देखा होगा या फिर इंस्टाग्राम पे, सूर्य कुमार ने भी दिल टूटा हुआ बनाया था, साइलेंस बुमराह ने, तो सारी चीज रिलेट करती है कहीं ना कहीं। बाकी इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? और मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग क्या लगते हो बताना, कि इस बार ना मुंबई का ऑन ग्राउंड सपोर्ट जो है फैंस का, नहीं आईपीएल, आईपीएल में तो हो जाता है वो सपोर्ट की बात, लोग तो आएंगे देखने के लिए, लेकिन कार्ड लाएंगे ना, उन पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्या कुछ लिख के लाएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये आईपीएल है, इसमें लोग 11 के 11 को वो नहीं करते, इसमें लोग पर्टिकुलर फैन जो अपना फेवरेट प्लेयर है। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।